आइए और अब बात करेंगे हमीरपुर के रण की। जी हां, हमीरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। बीजेपी और एसपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। नौवे राउंड में भी बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है और बीएसपी सबसे पीछे चल रही है। यानी कि एसपी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। नौवे राउंड में भी बीजेपी का जो वोट है वो सबसे आगे होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ ये रुझान जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एसपी और बीजेपी के बीच काफी कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। बीएसपी की बात करें तो सबसे पीछे यहां पर बीएसपी चल रही है। लगातार अपडेट आपको हम दे रहे हैं। हमीरपुर सदर सीट पर 23 सितंबर को मतदान हुआ और आज काउंटिंग चल रही है। नौवे राउंड तक की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। मतगणना नौवे चरण की पूरी हो चुकी है। अभी कई चरण बाकी हैं, लेकिन जो शुरुआती रुझान जो आप आपको बता रहे हैं उसमें बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के युवराज सिंह बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। मनोज प्रजापति को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने और बीजेपी ने युवराज सिंह पर दांव खेला है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला अभी देखने को मिल रहा है। अपडेट आपको हम ये बता रहे हैं, हर चरण में लगभग बीजेपी ही आगे चल रही है। नौवे चरण की मतगणना खत्म हो चुकी है और इस मतगणना में भी बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। अभी भी काउंटिंग जारी है और अभी कई ऐसे चरण हैं जिनको पार करना है और देखना होगा कि दोपहर या शाम तक क्या रिजल्ट सामने आता है। लेकिन ये एक सकारात्मक रुझान बीजेपी के लिहाज से माने जा रही है। युवराज सिंह इसमें बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नौ चरण यहां पर हो चुके हैं। अभी जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं, अब दूसरे चरण की, वो चल रही है। तो लगातार अपडेट आपको हम दे रहे हैं। दसवें राउंड की भी मतगणना खत्म हो चुकी है जिसमें बीजेपी ने बढ़त बना ली है। दस राउंड पूरे हो चुके हैं जिसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई है। युवराज सिंह आगे चल रहे हैं, मनोज प्रताप प्रजापति पीछे चल रहे हैं। तो वही बीजेपी लगातार आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी सबसे पीछे चल रही है। मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई है, 11:30 बज रहे हैं लगभग, और 11:30 बजे तक 10 राउंड पूरे हो चुके हैं। 10 राउंड पूरे हो चुके हैं जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। कौन जीतेगा हमीरपुर का रण, ये शाम तक साफ हो जाएगा, नतीजे घोषित हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको लगातार अपडेट हम दे रहे हैं। कुल 34 राउंड में ये मतगणना संपन्न होगी। इन 34 में से 10 पूरे हो चुके हैं। सिर्फ अब 24 राउंड और बचे हैं, वो भी इसी गति के साथ पूरे होंगे और जल्द से जल्द नतीजे सबके सामने होंगे। फिलहाल कांग्रेस के लिए राहत की खबर नहीं है, कांग्रेस के लिए सकारात्मक खबर इसलिए नहीं है क्योंकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस चल रही है। तो वहीं बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव खबर है, सकारात्मक रुझान बीजेपी की तरफ आ रही है। तो समाजवादी पार्टी भी कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रविंद्र निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, 10 राउंड पूरे हो चुके हैं, क्या अपडेट्स हैं? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अभी 24 राउंड और बच रहे हैं। हमीरपुर सदर सीट पर 23 सितंबर को मतदान हुआ और अब मतगणना हो रही है। यानी कि आज जो 9 प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। जो कि ईवीएम में कैद है वो आज निकलकर अब सामने आने लगा है। जनता ने क्या फैसला किया है, किसको अपना प्रतिनिधि चुना है, आज वो सामने आ जाएगा। 10 राउंड पूरे हो चुके हैं और 10वें राउंड में भी बीजेपी बढ़त बना रही है। बीजेपी के लिए सकारात्मक रुझान कहेंगे, हालांकि समाजवादी पार्टी भी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो तीसरे नंबर पर कांग्रेस चल रही है और बीएसपी सबसे पीछे यहां पर चल रही है। काफी दिलचस्प ये चुनाव है क्योंकि हमीरपुर उपचुनाव में कोई भी पार्टी का गठबंधन नहीं है, सभी अकेले अकेले मैदान में उतरे हैं और यही वजह है कि दिलचस्प तरीके से ये उपचुनाव लड़ा जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, 10 राउंड पूरे हुए, क्या अपडेट्स हैं? जी, आपको बता दूं यहाँ पर हमीरपुर उपचुनाव में गल्ला मंडी में यहाँ पर काउंटिंग चल रही है, जिसमें की जो टोटल 34 राउंड्स है, यहाँ पर 10 राउंड्स कंप्लीट भी हो गए हैं, जिसमें की देखा जा रहा है कि जो बीजेपी की बढ़त 3,277 वोटों से आगे चल रही सपा से। अगर बात की जाए तो टोटल वोट्स की, तो युवराज को अभी तक
44 वोट और जो सपा के मनोज कुमार प्रजापति उनको 14,067 और जो कांग्रेस के हरदीपा के उनको 6,629 और जो नौसाद अली बीएसपी के उनको 7,949 वोट अभी तक मिल चुके हैं। फिलहाल कॉन्टिन्यू जो वोटिंग गिनती जारी है। लीजिए बिल्कुल रविंद्र, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि कितने वोटों से बीजेपी अभी आगे चल रही है सपा से। जी आपसे बता दूं 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं जिसमें कि बीजेपी प्रत्याशी युवराज सिंह 3,277 वोटों से आगे चल रहे हैं। सेकेंड पे चल रहे हैं सपा के मनोज प्रजापति। जी रविंद्र, क्योंकि इसी गति के साथ लगातार जो राउंड है वो चलते जा रहे हैं, 10 राउंड पूरे भी हो चुके हैं और जल्द से जल्द फैसला सामने भी आ जाएगा, लेकिन हालांकि थोड़ी जल्दबाजी होगी लेकिन बीजेपी के पक्ष में यहां पर रुझान आने शुरू हो गए हैं और कह सकते हैं कि एक सकारात्मक रुझान है बीजेपी के लिए और बीएसपी के लिए थोड़ी चिंता का विषय भी बना हुआ है। जी आपसे बता दूं खासकर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो हमीरपुर जिले के मुख्यतः रहने वाले नहीं है, ये बाहर से इलेक्शन लड़ने हमीरपुर आए हैं। ये कन्नौज जिले के रहने वाले, सबसे बड़ी बुरी बात इनके लिए यही है वोटर्स इनसे जुड़ नहीं पाया। ये एक शब्द लगा रहा है कि ये बाहरी कैंडिडेट है, ये जिले में नहीं रहेंगे और हमीरपुर का जिले का विकास नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये जो युवराज सिंह है हमीरपुर इचौली गाँव के लोकल के रहने वाले हैं मौदा के, इसके चलते इनको जो वोटर्स है इनसे लगाव रखते हैं और जो लगातार इनके जो वोट्स बढ़ रहे हैं उनका यही कारण है कि लोकल होने की वजह से इनको काफी वोट्स मिल रहे हैं और नंबर एक पे अभी बने हुए हैं। और सपा की बात की जाए तो मनोज प्रजापति है वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव ने उन पर दांव खेला है पर वो कहीं ना कहीं टक्कर देते नजर आ रहा है, पर जो कड़ी टक्कर की बात की जाती है वहां से वो काफी दूर है। जी आप बिल्कुल रविंद्र, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक का हमीरपुर उपचुनाव का अपडेट यही है कि 3,277 वोटों से बीजेपी सपा से आगे चल रही है, 10 राउंड पूरे हो चुके हैं।